बता दी गई है। पबजी समेत 118 चीनी ऐप बैन की गई है। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? दिस इज लाइटनिंग वोल्ट फ्रॉम फन सिटी गेमिंग। तो एक्चुअली अभी मैं लेटा हुआ था और अचानक ये न्यूज़ देखा। यहाँ पे न्यूज़ में फिलहाल ये आ रहा है भारत रिपब्लिक भारत पे दैट पबजी को बैन कर दिया गया इंडिया में अलॉन्ग विद मैनी अदर एप्लीकेशन फ्रॉम विच वर लिंक विद चाइना। तो वैसे तो मुझे यह न्यूज़ और कहीं नहीं मिला किसी और चैनल पर, बट रिपब्लिक भारत पर शो कर रहा है, तो मैं सोचा क्यों ना आप लोग साथ शेयर कर दूँ। हो सकता है ये न्यूज़ फेक हो, या तो मुझे लग रहा है फेक नहीं है क्योंकि रिपब्लिक भारत हमेशा दैनिक न्यूज़ दिखाता है। तो अगर पबजी बैन हो गया है तो अभी तो हमने फन सिटी ने नया नया ये कैरियर ही चालू किया था ऑनलाइन गेम स्ट्रीमिंग फॉर मोबाइल फ़ोन, क्योंकि हमारे पास अभी गेमिंग पीसी नहीं है। तो बताओ आप लोग, अब हम कौन सा गेम खेलें जो मोबाइल से हम लाइव स्ट्रीम कर सकें? मतलब जैसे COD हो गया, या फिर कौन सा गेम हम लोग ऐसा खेलें जिसमें आप लोग हमारे साथ इन्जॉय करोगे और हम भी आप लोगों के साथ खेल के इन्जॉय करेंगे और आप लोग इंटरटेन कर पाएंगे। तो आप लोग अपने जो भी रिव्यू सजेशंस होंगे, एडवाइस होंगे, वो हमें कमेंट से मेंशन कर दीजिएगा। हम सबके के कमेंट्स देखेंगे और जो ये गेम लगेगा जो हमारे फ़ोन के हिसाब से कंपेटेबल होगा वो गेम हम अब से लाइव स्ट्रीम करेंगे, अगर ये न्यूज़ सच निकली तो। और बाकी आप भी अभी लाइव चेक कर सकते हैं रिपब्लिक भारत पर, टाइम भी देख लो अभी का है, करीब 20 मिनट पहले का, क्योंकि मैंने 20 मिनट पहले वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो आप चेक कर लो, शायद वहाँ पे अभी भी ये न्यूज़ आ रहा होगा। चेक करके बताओ मुझे कि ये न्यूज़ लाइव फेक न्यूज़ है या फिर ये जेन्युइन न्यूज़ है। और प्लीज़ मुझे आप लोगों का हेल्प चाहिए, सजेशन चाहिए, प्लीज़ आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि अब हमें क्या कौन सा गेम खेलना चाहिए। थैंक यू इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, थोड़ा सा और प्यार सपोर्ट दे दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और ताकि हम इस तरह आप लोगों को हमेशा एंटरटेन कर सकें। थैंक यू।